वेट 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 यार, क्या कर रहे हो अभी भी? डेजर्ट ईगल या फिर M80D 717 वेट लगा रहे हो क्या? अरे रे रे रे, गलत बात है भाई, गलत बात है। आजकल के प्रो बंदे ना डेजर्ट ईगल M80D 7 नहीं चलाते, आजकल के प्रो बंदे वुड पिकर 70 वेट लगाते। अच्छा एक सेकेंड, लगाते हो कि नहीं ये बता दो पहले। नहीं। करेली बेइज्जती पड़ गई ठंड। खैर छोड़ो, नोक जोक तो चलती रहेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वुड पिकर 1 टेबल सॉल्ट लगाने के लिए ऐसी एडवांस लेवल की 4 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिससे आपके 1 टेबल सॉल्ट ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल के लगने वाले, ठीक है? और उसके लिए आपको बस वीडियो को पूरा देख लेना है। और हाँ गाइस यार, एक और चीज, बॉडी शॉट वाले प्लेयर्स ना अभी भी वक्त थोड़ा सा सुधर जाओ, क्योंकि यार जमाना आगे बढ़ रहा है, फ्री फायर का दौर बदल रहा है, 1 टेबल सॉल्ट वाले प्लेयर्स को ही प्रो प्लेयर्स का दर्जा मिल जाए, तो यार आपको भी 1 टेबल सॉल्ट लगाने चाहिए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपका फ्रेंड पहले आपको कॉल करके कस्टम के लिए बुलाए, उसके बाद कुछ इस प्रकार का रिएक्शन दे, यार क्या बंदा बुला दिया, ये तो बॉडी बॉडी मारता है, हट अगली बार से मत बुलाना, गजब बेइज्जती है। लेकिन भाइयों, मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी वीडियोस को देखने के बाद आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाले आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर एक न्यू और धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो गाइस यार, अभी बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट टिप की, जो कि डिफरेंस बिटवीन बंदों को कॉल करके कुछ इस प्रकार से कस्टम के लिए चैलेंज दे सकते हो। मैं कहूं, अगर हिम्मत है तो 13 मील वाले पेट्रोल पंप पे आ जा, मैं और मेरे लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। डेजर्ट ईगल एंड वुड पिकर। जी गाइस यार, ये टिप ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि यार हमें समझ बिजी होंगे, कोई काम आ गया होगा, हम तो गुरूर तोड़ते हैं सामने वाले, हम तो ये सोच कर अपना मन समझा लेते हैं। बिजी होंगे, कोई काम आ गया होगा, हम तो ये सोच कर अपना मन समझे, बुरे वक्त ने करवा दी पहचान अपने और परायों की, वरना हम तो पहली बार में सबका फोन उठा लेते थे। चाहिए कि डेजर्ट ईगल और वुड पिकर में ऐसा तो क्या ही फर्क है जिसकी वजह से हम वुड पिकर से ज्यादा आसानी से 1 टेबल सॉल्ट लगा सकते हैं। जी हाँ सर, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, वुड पिकर से आप ज्यादा आसानी से 1 टेबल सॉल्ट लगा सकते हो कम्पेयर टू डेजर्ट ईगल। बस आपको थोड़ी बहुत लॉजिक्स पता होनी चाहिए। तो कहीं सर मैं आपको बता देता हूँ, वुड पिकर के पास ना 2 एडवांटेजेस है जिसकी वजह से वुड पिकर से आसानी से 1 टेबल सॉल्ट लग जाता है, ठीक है? तो कहीं सर पहला एडवांटेज ये है कि जो वुड पिकर का नेचर जो रेट ऑफ फायर है ना वो बहुत ही ज्यादा कम है। आपने भी नोटिस किया होगा कि यार वुड पिकर में से गोलियां बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे से निकलती है, ठीक है, कंपेयर टू डेजर्ट ईगल। तो यही एक एडवांटेज है जिसकी वजह से आप फायर बेडों को अगर हल्का सा भी ट्रैक करते हो ना तो भाई साहब उसको चट्टा के दर से 1 टेबल सॉल्ट चिपक जाता है, ठीक है? और कहीं से दूसरा एडवांटेज ये कि यार वुड पिकर का रिकॉइल ना बहुत ही कम है, ठीक है, कंपेयर टू डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल बहुत ही ज्यादा रिकॉइल कर जाती है और उसकी वजह से आपके कभी कभार 1 टेबल सॉल्ट नहीं लग पाते, लेकिन वुड पिकर में ये चीज नहीं होगी, क्योंकि यार आप भी यहाँ पर देख सकते हो वुड पिकर की सारी गोलियां एकदम सीधी आ रही, कहीं पर भी आड़ी टेढ़ी नहीं हो रही और जो एम है ना वो भी बड़ा नहीं हो रहा, यानी कि वुड पिकर का रिकॉल बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। जी अगर इसे एनिमी की बॉडी से थोड़ा सा दूर और लेफ्ट साइड की ओर सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जी अगर सर, अगर आप एम के पीछे ज्यादा टाइम लगाओगे तो वही सब सामने वाला बंदा आपको वैसे फिनिश करके निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, आपको एम को सेट करने के पीछे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अभी मैं आपको बता देता हूं आपको एम आखिर किधर सेट करना है, ठीक है? तो वही सर, अगर मान लीजिए सामने वाला बंदा क्लोज रेंज या फिर मिड रेंज के अंदर है और आपके हाथ में वुड पिकर है और आपको वुड पिकर से एम को रखना है, ठीक है? और अगर बंदा लॉन्ग रेंज में है तब आपको एम को ना